के आदेश के बाद राजनीति शुरू। देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद राजनीति तेज हो गई, जिसमें ये कहा गया कि रेलवे ट्रैक के किनारे बसी झुग्गी झोंपड़ियों को हटाया जाए। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी आज सराय रोहिल्ला रेलवे ट्रैक के पास बनी झुग्गियों में पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया कि उनको हटाने से पहले सरकार लोगों को मकान दे। इसके साथ ही दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। कुमार तिवारी, दिल्ली, समाचार 24। अनिल चौधरी जी, ये झुग्गी झोंपड़ी रोकने के लिए आप क्या मुहिम चला रहे, क्या कर रहे हैं आप? देखिए, जो जिस तरह से आदेश आया है, 48,000 तो ये रिकॉर्ड पे बोल रहे हैं, कहीं तादाद इनसे ज्यादा है, 70,000 से ज्यादा मकान है। 8 से 10 लाख लोगों का, बच्चों का, बुजुर्गों का आज भविष्य दांव पे लग गया है। इस संक्रमण काल में जहाँ लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, रोजगार की परेशानी है, वहाँ पे इस तरह का फैसला कोर्ट का आदेश से स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन कुछ प्रश्न है जिनके जवाब सरकारों को देना चाहिए, और ये मांग लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। कम से कम ये सरकार हमें बताए कि आपने कोर्ट के सामने क्या इनकी बातें रखी हैं, क्या आपने इनके डॉक्यूमेंट्स रखे। 70 साल, कोई 50 साल, कोई 40 साल, कोई 30 साल से यहाँ अब इन मकानों में रह रहे हैं। ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं, हर घर की एक कहानी है। कोई रेलवे के ऑफिसर्स इनको लेके आए कहीं पे, कोई अपने रोजगार की तलाश में आया, अपना आसियाना बनाया, मजबूर थे, परेशान थे, तभी जाकर के रेलवे ट्रैक के आसपास इन्होंने अपना जीवन यापन शुरू किया। किसी को आनंद नहीं आता है कि कोई अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ बसे, किसी को आनंद नहीं आता है कि रेलवे ट्रैक पे इसने शोर शराबे में अपना वो या जीवन बिताए। कुछ लोगों को ध्वनि प्रदूषण से नींद नहीं आती, ये लोग वो हैं जो इसी ध्वनि में यहाँ अपना जीवन बिता रहे हैं, इनको परेशानी नहीं होती क्योंकि मजदूर पसीना बहाता सो जाता है। आज इन पे संकट की घड़ी है। सरकार बताएं, क्या आपने इनके डॉक्यूमेंट्स पेश किए? जब पुनर्वास करने की योजना दिल्ली में है, कानून है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की पूर्व में टिप्पणियां हैं, आदेश है, अजय माकन वर्सेस भारत सरकार का ये आदेश है कि आप किसी को यदि उजाड़ेंगे तो पहले उसको पुनर्वास करेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने ये बात कही? आज लाखों परिवारों के चेहरे उम्मीद से देखते हैं, पर अरविंद केजरीवाल एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो हम यही जानना चाह रहे हैं, यदि आपने वो पक्ष नहीं रखा तो कांग्रेस पार्टी वो पक्ष रखेगी, और हम वो दोबारा से इस फैसले के रिव्यू के लिए इस माननीय कोर्ट के सामने जाएंगे कि कुछ पक्ष है जो इनको नहीं सुना गया या सरकारों ने नहीं रखा, जिसमें इनका पुराना इतिहास, इनके डॉक्यूमेंट्स, इनकी परेशानियां, और उस कानून का हवाला भी हम देंगे कि पुनर्वास योजना है तो इनको मकान दे दीजिए। आप पूछिए, फैसला लीजिए, नहीं सारे लोग खड़े, कोई नहीं चाहता यहाँ रहना, आज इनको मकान दे दो, सब जाके बसेंगे। बसना चाहते हो नहीं बसना? हाँ जी, हाँ जी। मकान मिलेगा तो आप जाओगे? हाँ जी। सब जाना चाहते हैं, कोई नहीं बसना चाहता यहाँ पे। और ये माननीय कोर्ट ने यदि आदेश दिया तो सरकारों पर कम से कम इनको जगाने का काम किया है कि आप इनको मकान दो। 48,000 लोगों की यदि सूची सरकार ने दी है तो 64,000 मकानों की सूची कांग्रेस पार्टी ने राजीव आवासीय योजना के तहत सरकारों को दी। हम एमएलए रहे, जयकिशन जी एमएलए थे, अलका जी खुद एमएलए रही, सब लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर 64,000 मकान बनके तैयार हैं, जिसकी योजना का नाम था राजीव गांधी आवासीय योजना। इस सब से अंदाजा लगा लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए योजना बनाई थी, ठोस योजना, लेकिन उनको मकान नहीं दिए गए। आप मकान दीजिए, इनको बसाइए, रेलवे ट्रैक की सुरक्षा की बात है, ये सहयोग करने के लिए तैयार। अनिल चौधरी, अनिल चौधरी, कांग्रेस पार्टी, गांधी। मकानों की बात कर रहे हैं, दिल्ली में जो है लाखों झुग्गियां है जो मतलब एनसीटी में भरता है, रेलवे में भरता है, तो 64,000 मकान दे रहे हैं, उसमें कंप्रोमाइज हो जाएगा? देखिए, सवाल ये सर, 2010 के अंदर डूसिप का निर्माण किया था, इस डिपार्टमेंट का गठन किया गया था। डूसिप का काम ये था कि इन गरीबों को लेकर के, तो जी झुग्गी स्लम जो दिल्ली के अंदर है, उनको पुनर्वास किया जाए, उनको लेकर के डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए था। मुख्यमंत्री ये दावा करते थे सबको, हम जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। अभी जो फैसला आया वो रेलवे ट्रैक के आसपास के लोगों के लिए आया, तो आज प्रायोरिटी जो प्राथमिकता है, लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से वहां शिफ्ट किया जाना चाहिए। लेकिन जो आपने जिक्र किया है, अरविंद केजरीवाल जी का एक आंकड़ा देता हूं, विधानसभा में खुद उन्होंने स्वीकार किया है, 2019 फरवरी में विधानसभा सत्र के दौरान इनका मंत्री ये बोलता है कि केवल हमने 1931 लोगों को पुनर्वास किया है। 7 साल हो गए अरविंद केजरीवाल को, 7 साल में जो कहता था 1 साल मुझे दीजिए सबका मैं दर्द दूर कर दूंगा,
सात साल में मौका नहीं मिला इन गरीब लोगों के लिए योजना बनाने के लिए, एक किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की हो कि जहां झुकी वही मकान। मैं इन तमाम लोगों के सामने एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन के आए या दिल्ली के दोबारा मुख्यमंत्री बन के आए तो उन्होंने एक वादा किया था जहां झुकी वही मकान, तो जो प्रश्न आपका उन स्वयं एरिए के लिए है तो उस नीति पे आज तक कितने लोगों को मकान बना के दे दिया, ये प्रश्न तो सरकार से पूछना चाहिए। आज आप जहां झुकी वही मकान के नाम पे वोट लेते हो, देश का प्रधानमंत्री अपने गरीब लोगों को सपने दिखाता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री सपने दिखाता है, इन्होंने यदि विश्वास किया तो क्या गलत किया? दिल्ली के मुखिया और देश के मुखिया की बात पर विश्वास करके इन्होंने वोट दिया था जहां झुकी वही मकान, तो क्यों नहीं दिया? वादा खिलाफी, धोखाधड़ी का मुकदमा भी लोगों पर दर्ज होना चाहिए कि आपने झूठे सपने दिखा करके इन लोगों से वोट मांगी। और देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च व्यक्ति यदि ये बात कहे तो फिर किस पे विश्वास ना करें? इन्होंने विश्वास करके क्या गुनाह किया? वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विश्वास इन लोगों को बताया था, फॉर्म भरवाए गए, पैसे जमा कराए गए उन कैंपों में जहां का आप जिक्र कर रहे हैं, एक भी कैंप के अंदर कोई बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो इनकी कथनी करनी सामने है और इसका नुकसान इन गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शायद यदि दो साल में रहते जाग जाते, इनको पुनर्वास कर देते तो कोर्ट भी शायद इतना बड़ा फैसला नहीं देती, यदि उनको भी मकान मिल जाते तो समय भी मिल जाता कोर्ट से, कोर्ट को एक विश्वास होता है कि सरकारें एफर्ट्स कर रही हैं। सरकारों की नाकामियां, निकम्मापन, गैर जिम्मेदारन उनका व्यवहार आज इनको खतरे की